जय हिंद। नमस्कार सभी को। भाई आज मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूँ, उसको ध्यान से सुनना और सभी लोगों को शेयर करना। बात यह है कि अमित शाह आ रहे हैं 21, 22, 23 को 3 दिन के लिए जयपुर। उनका दौरा है और उस दौरे में हमें एक विरोध प्रदर्शन करना है, बिना कुछ बोले उन तक हमारी आवाज़ पहुंचानी है। न्याय के लिए, जो आनंद पाल का केस है इसके लिए, सीबीआई जांच के लिए और वसुंधरा को हटाने के लिए। अब आप लोग बोलोगे कैसे पहुंचेंगे, तो उसका सिर्फ विरोध का तरीका एक ही चीज होगा, जहां रैली करते हैं वहां आप लोगों को एक काली टी शर्ट या काली शर्ट या काली टोपी जो भी सिर्फ पहनना और वहां खड़े हो जाना। ये चीजें नहीं होती, तो कोई काला रुमाल या कुछ भी लेना जेब में, जिसको गले में डाल लेना बस। ये चीजें खड़े लेकर जहां भी उनका वो सभा को संबोधित करते हैं या रैली करते हैं, उसमें शामिल होना है आप लोगों को, इतना ही काम करना है। इससे हमारी बात बिना बोले वहां तक पहुंच भी जाएगी और उनको पता भी चल जाएगा हम लोग क्या चाहते हैं। रही पार्टी की, पार्टी का मैंने घोषणा कर दी है और उसका निर्माण जरूर होगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी बनाया, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार इससे जुड़ो, क्योंकि मीडिया कभी सच्चाई नहीं दिखाएगी, वो सरकार की गुलाम बन जाती है। जो सरकार होती है उसी की मुट्ठी में चलती है, तो जो भी अन्याय होता है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं हम इस चैनल पे। तो इस चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, इससे जो भी पूछ लेना जिसको नहीं आता है, जो पढ़े लिखे लोग है बताओ, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये नॉलेज तो दो आप लोग। दूसरी, आपको दिल में यह आ रहा होगा कि अमित शाह की रैली होगी कहाँ, वो तो वो हमें बताने की नहीं, ये जो भाड़ मीडिया है ना, ये मीडिया उनकी चमची है, जहां रैली होगी उनके पीछे पीछे घूमेगी, लाइव दिखाती रहेगी, अमित शाह यहाँ है, अमित शाह यहाँ सभा को संबोधित कर रहे हैं, वो सब खुद कर लेंगे वो। ये हमारे लिए एक सीक्रेट प्लान है जिसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं, सिर्फ वहां पहुंचना है ये ड्रेस में। ज्यादा तादाद में होंगे वहां हम नारे वगैरह भी लगाएंगे, जो हमें उचित समझेंगे वो कार्रवाई आगे करेंगे, लेकिन बस ये करना। आज आज के लिए इतना ही, प्लानिंग को ध्यान से रखना। आगे जो 22 का हमारा आंदोलन हो रहा है उसका बता देंगे, लेकिन 21 को ये दिखाना है, 22 को हम वहां शामिल हो जाएंगे। अगर कोई सहमति बनती है, वार्ता चल रही है अभी सरकार के साथ, तो फिर मैं आगे वीडियो बना के और उसकी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, लेकिन इसका ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।